अच्छा जी, तो वक्त हो चुका है 12:45, बाबू सर टॉप से, बाबू सर पास उतरने वाले हैं। बाबू सर डाउन हिल जब जाना है आपने, तो गाड़ी जो है वो टोटली फर्स्ट गियर पे उतारनी है, तो बाबू सर टॉप की एकदम ढलान है और गाड़ी को ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ने देनी है। अगर ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी तो ब्रेक गर्म हो जाएंगे और ब्रेक नहीं पकड़ेगी गाड़ी फिर। तो आपने फर्स्ट गियर रखना है और कोशिश करनी है स्पीड आपकी 20-30 के अंदर रहे, और हल्का हल्का सा पैडल जो है ना वो गाड़ी को देते रहना है ब्रेक का, जैसे मैं स्लो स्लो पैडल दे रहा हूँ और गाड़ी स्लो स्लो उतर रही है। तो ऐसे आपने यहाँ से उतारनी है गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट रोनुमा होते हैं। खैर, आप वीडियो मुलाहिजा करें बाबू सर डाउन हिल की। साउंड जो आपने सुनी है स्क्रीच की, ये इस करोला की थी जो मेरी गाड़ी से आगे चल रही है, और ये बेसिकली एक ऑटो गाड़ी थी। तो ये साहब जो हैं वो ऑटो गाड़ी मुसलसल ब्रेक पे ही उतार रहे थे और एंड में जाके ब्रेक लगा रहे थे बिल्कुल टर्निंग के पास। खैर, करना आपने ये है, जब भी आप कोई भी पास डिसेंड करें तो अपनी गाड़ी को आपने एक सर्टेन स्पीड लिमिट के अंदर रोके रखना है। मेनली आपने ये करना है कि जी उसको छोटे गियर में डालेंगे, जितना छोटे गियर में डालेंगे उतनी कम स्पीड आपकी गाड़ी पकड़ेगी। बेशक वो इंजन के आरपीएम बढ़ा लेगी, तो इंजन के आरपीएम को कम रखने के लिए आप ये कर लें कि एक माइनर से पॉइंट के ऊपर लेवल पे एसी ऑन कर लें, उससे इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो थोड़े से आरपीएम डाउन हो जाएंगे। छोटे से छोटे गियर में कम से कम आरपीएम के ऊपर डिसेंड करेगी। इस तरह ये फर्स्ट गियर पे एसी ऑन करके छोड़ रहा है और उतार रहा हूँ बाबू सर टॉप से, और इंजन इतना शोर कर रहा है, 5 आरपीएम पे गाड़ी जा रही है और 40 की स्पीड इस वक्त मेंटेन की गई है इसने। ब्रेक मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक इंतहाई कम इस्तेमाल करनी है, जहाँ पर लगानी पड़े बस वहीं लगानी, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ने देनी। अच्छा, गाड़ी को फर्स्ट गियर पे रखने के बावजूद भी आपको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, बट उसकी क्वांटिटी और बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप छोटे गियर में रहते हैं तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती, ऑल दो आरपीएम्स काफ़ी हाई होते हैं। बट ये है कि आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी 40 के अंदर अंदर रहे, ताकि आप जैसे ही कोई टर्निंग आएगी तो आप उस पर स्लो करके आराम से मुड़ सकेंगे, तो उससे आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स भी और डिस्कें भी गर्म नहीं होंगे। अमूमन लोग ये करते हैं कि वो ब्रेक्स जो है ना वो लगाते रहते हैं और फिर उस तरह उनके पैड्स गर्म हो जाते हैं, और जब वो पैड्स गर्म हो जाते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं। इस मुकाम पे मैं इसलिए रुका कि मैं चेक करूँ अपने रिम्स को ख़ुद भी टच करके और अपने इंजन की स्मेल वगैरह भी चेक करूँ, तो ऑल वॉज फाइन, तो इसलिए मैं आगे मूव कर गया यहाँ से। खैर, मैं थोड़ा ही आगे बढ़ाऊँ तो उसके बाद अभी आप कुछ देर में देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे रोकी हुई हैं। ये पॉइंट है वो, यहाँ पे ये गाड़ियाँ रोकी हैं और इस जेंटलमैन ने मुझे भी रोका और मेरी गाड़ी के रिम्स चेक किया हाथ लगा के। ऑल्दो जब वो के ज़्यादा गर्म नहीं थे, तो हल्के तो गर्म होते हैं लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे, तो उसने मुझे जाने दिया और कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप मूव कर सकते हैं आगे। तो इसलिए बस ये इस वीडियो का मकसद यही है कि हादसात में किसी भी तरह कमी लाई जा सके, लोगों में आगाही हो कि आपने हिली एरियाज में डिसेंट कैसे करना है। चढ़ाई करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है नस्बत इसके कि आप डिसेंट करें। तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने हिली एरियाज में अपनी गाड़ी को डाउन हिल लेके जाना है या डिसेंट करना है। तो अपकमिंग एक वीडियो मैं इंशाल्लाह चढ़ाई से रिलेटेड भी बनाऊँगा जब मैं इस बाबू सर पास को चढ़ूंगा। आप लोगों ने बाबू सर टॉप की उतराइयाँ मुलाहिज़ा की, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने साथ खैरियत बखैर वाफियत हमारा ये डाउन हिल करवा दिया बाबू सर टॉप से। ऑटोमेटिक कार्स के लिए आपने D1 और D2 यूज़ करना है, मतलब वो ऑटोमेटिक के लिए D1 D2 होता है फर्स्ट एंड सेकेंड गियर, इसी तरह D3 भी होता है। कुछ ट्रांसमिशन जैसे CVT हैं तो उनमें कुछ में मैनुअल मोड भी होता है, तो मैनुअल शिफ्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, और कुछ ट्रांसमिशंस में लोड भी होता है और बी भी होता है। तो जिस पे आप देखें कि जी गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग कर रही है, इंजन ब्रेकिंग कर रही है, तो वो आपने यूज़ करके डिसेंड करना है। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।